दोस्तों, हॉरर मूवीज तो हमेशा से ही लोगों की फेवरेट रही हैं, लेकिन आज हम बात करने जा रहे हैं कुछ ऐसे क्रिएचर बेस्ड हॉरर मूवीज के बारे में जो कि हमेशा से ही नंबर वन रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि कौन कौन सी ऐसी इंटरेस्टिंग क्रिएचर बेस्ड हॉरर मूवीज हैं आज के हमारे इस टॉप 10 काउंटडाउन में। और ज्यादा जानकारी और डाउनलोड्स के लिए डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पर क्लिक करें। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ये टॉप 10 काउंटडाउन। नंबर 10, स्प्लिंटर। कहानी की शुरुआत होती है एक गैस स्टेशन से, जहाँ पे कुछ लोग फंस जाते हैं क्योंकि उनके ऊपर कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं, और उन क्रिएचर्स के हाथों से वो किस तरह बचते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी को रिलीज की गई थी 2008 में और इस मूवी को IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.1। नंबर 9, लाइफ। कहानी की शुरुआत होती है इंटरनेशनल स्पेस क्रू से, जो कि अंतरिक्ष पर कुछ डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन अचानक से ही उनके हाथ एक ऐसा क्रिएचर लगता है जो कि बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और वहां के सभी एस्ट्रोनॉट्स को वो मारना शुरू कर देता है, और लास्ट तक उस क्रिएचर के हाथ से कौन बचता है यही देखने लायक है इस कम्प्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2017 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.6। नंबर 8, द डिसेंट। कहानी की शुरुआत होती है कुछ दोस्तों से, जो कि एक्चुअल में केव में जाते हैं हाइकिंग करने के लिए या फिर कह सकते हैं कि एडवेंचर करने के लिए, लेकिन वहां पर जाते ही उनके ऊपर कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और उन क्रिएचर्स के हाथों से वो बच पाते हैं या फिर नहीं बच पाते हैं यही देखने लायक है इस कम्प्लीट मूवी में। मूवी की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2006 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। नंबर 7, स्लेटर्स। कहानी की शुरुआत होती है एक छोटे से शहर से, जहाँ पर कुछ स्लेटर्स नाम के परजीवी लोगों पर हमला कर देते हैं और उन्हीं परजीवियों से उस छोटे शहर के लोग किस तरह बचते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी एक्चुअली बेस्ड है हॉरर एंड साइंस फिक्शन एक्टिविटी के ऊपर। इसे रिलीज की गई थी 2006 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 6, द हिल्स हैव आइज। कहानी की शुरुआत होती है एक फैमिली से, जो कि वैकेशन मनाने के लिए एक डेजर्ट में जाती है, लेकिन वहां पर जाते ही उनके ऊपर कुछ क्रिएचर्स हमला कर देते हैं और उन्हीं के हाथों से वो कंप्लीट फैमिली किस तरह बचती है यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी की फर्स्ट पार्ट रिलीज की गई थी 2006 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.4। नंबर 5, द मग। कहानी की शुरुआत होती है एक जायंट शार्क से, जो कि एक्चुअल में लोगों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है, और उसी जायंट शार्क को पकड़ने की कोशिश की जाती है इस कंप्लीट मूवी में, और आखिरकार लास्ट तक जॉन टाइलर अपने इस मकसद को कामयाब कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2018 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.7। नंबर 4, अंडर वाटर। कहानी की शुरुआत होती है एक क्रू से, जो कि एक्चुअल में रिसर्च कर रही होती है समुद्र के 7 miles नीचे, लेकिन अचानक से ही उनके रिसर्च सेंटर पर कुछ क्रिएचर्स का हमला हो जाता है और वहीं से वो साइंटिस्ट किस तरह बाहर निकलते हैं यही दिखाई जाएगी इस कंप्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2020 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 5.8। नंबर 3, द थिंग। कहानी की शुरुआत होती है एक एलियन से, जो कि बहुत सालों से बर्फ में दबा पड़ा रहता है, लेकिन अचानक से ही उसे कुछ साइंटिस्ट खोज के निकाल लेते हैं, और फिर एक दिन वो एलियन अचानक से जिंदा भी हो जाता है, और जिंदा होने के बाद वहाँ के जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्हें वो मारना शुरू कर देता है, और लास्ट तक उस एलियन क्रिएचर के हाथ से कौन सर्वाइव करता है यही देखने लायक है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2011 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 6.2। नंबर 2, I am Legend। सोचिए कि आप अपने शहर में सिर्फ अकेले ऐसे इंसान हैं जो कि सरवाइव कर रहे हैं, तो आपको कैसा फील होगा। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट मूवी, जहां पर आप देख पाएंगे विल स्मिथ, जो कि अपने आप को किसी भी तरह से बचाए रखना चाहते हैं इन्फेक्टेड पीपल से। आखिरकार लास्ट तक वो अपने इस मकसद को कामयाब कर पाते हैं या फिर नहीं कर पाते हैं यही दिखाने की कोशिश की गई है इस कंप्लीट मूवी में। मूवी रिलीज की गई थी 2007 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.2। और लास्ट और नंबर 1 पर हम बात करेंगे अ क्वाइट प्लेस। सोचिए आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां पर आप किसी भी तरह की आवाज नहीं कर सकते हैं, इवन अपने फैमिली से भी बात नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने किसी भी तरह की साउंड प्रोड्यूस की तो कोई ना कोई क्रिएचर्स आके आपको मार देगा। ठीक ऐसे ही कॉन्सेप्ट के ऊपर बनी है ये कंप्लीट मूवी, और इस मूवी को रिलीज की गई थी 2018 में और इसे IMDb रेटिंग देती है 10 में 7.5। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आपको आज का काउंटडाउन अच्छा लगा होगा। तो फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ, नए काउंटडाउन के साथ। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। गुड बाय।